अगली खबर महाराष्ट्र के लोनी से है, जहां पर 18 दिसंबर को सहकार परिषद और कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इसकी जानकारी बीजेपी नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने परिवेश के तमाम किसानों से सहकार परिषद और कृषि सम्मेलन में शामिल होने की भी अपील की है। बीजेपी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले स्वतंत्र सहकार मंत्रालय की स्थापना की है और अमित शाह के रूप में उन्होंने एक सक्षम सहकारिता मंत्रालय दिया है। पीएम ने सभी फैसले देश के हित में लिए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो या मिल्क फेडरेशन का निर्माण हो, अर्बन बैंक्स की निर्मित हो, काफ़ी पहल महाराष्ट्र ने की थी, लेकिन कुछ साल पहले इस सरकार की जो आंदोलन है वो पूरा सरकार के नियंत्रण में चला गया और इसके उपरांत सरकार की उसमें प्रगति नहीं हो पाई। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने सहकार मंत्रालय की स्थापना करके एक सक्षम नेतृत्व सहकार मंत्रालय को अमित भाई शाह के रूप में दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो जो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री ने लिए हैं वो देश के प्रगति के लिए लिए हैं और ये सहकार मंत्रालय की जो निर्मित की है उसका नेतृत्व भी अमित शाह साहब के को दिया है। हमको पूरा विश्वास है कि सहकार आंदोलन महाराष्ट्र का सहकार की भूमि थी वो निश्चित रूप में एक नई पहल करेगी, लोगों को एक नया विश्वास, लोगों के मन में एक नया विश्वास जागृत करेगी।